रोशनी, ये उम्र बढ़ाना, रक्षा करना, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, और ऊपर वाला सिर्फ अच्छे लोगों के साथ होता है, और वो हम हैं, तो हमें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और तुम्हें मेरी उम्र के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। छोड़ो अभी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? साड़ी? ओ सॉरी, ओ सॉरी, फैबुलस, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी लगी। नहीं नोटिस की ना? नहीं, हाँ हाँ हाँ, कॉस नोटिस किया, और इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम कमाल लग रही हो यार, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, धमाका लग रही हो। बस मैं ये सोच रहा था कि तुम मतलब ये रोज तो नहीं पहनने वाली ना? नहीं, वो इसलिए क्योंकि मतलब तकलीफ होती है ना साड़ी वाड़ी पहनने में रोज। वैसे तो सारी औरत का श्रृंगार होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं, मेरी तरफ से वो पहन जिसमें तुम कंफर्ट। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ठीक से नहीं पहनी क्या मैंने? ओहो बाबा, इतनी तो सुंदर लग रही है, बहुत अच्छे से पहनी है रोशनी, मैं तो बस बोल रहा था यार। राइट, जाओ, तुमने अभी मूड स्पॉइल कर दिया पूरा। तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना? क्या खाओगे? क्या खाओगे? खा लेंगे यार, कुछ जो तुम बनाओगी वो खाना ही पड़ेगा। अब तुम अपनी मॉम की तरह कोई कमाल धमाल कुक तो हो नहीं, तुम्हें याद है उनके हाथ की उंधियों क्या फुल पावर बनाई थी उन्होंने यार, और कैसे कमर कस के कॉम्पिटेटिव मूड में किचन में घुस गई थी, धमाका उंधियों बनाया था उन्होंने, याद है ना? और रोशनी, माँ के हाथ का खाना ना माँ के हाथ का ही होता, अब वो चाहे अपनी माँ हो, सासू माँ, बीवी, चाहे कितना भी अच्छा खाना बनाए, उस स्वाद को मैच नहीं कर सकते। ये कह रहे हो तुम सिद्धार्थ, माँ के हाथ का उंधियों सच में बहुत टेस्टी होता। और तुम्हें तो पता भी, कुछ जो चखा है तुमने उस दिन छुप छुप के खा रही थी, देखा था मैंने।